आपको किसान साहब करे कि नहीं करे बताओ, दो बात करे कि नहीं। और फिर तीसरी बात कही कि जिनका चालू खाता है उनका माफ नहीं होगा, ईमानदारी से जिनने दिया है उनके नाम लाखों के साथ, और जिनका दिया कि एक पैसे से ज्यादा दिया तो भी नहीं माफ करेंगे, उनके लाखों के नाम भी साफ, और फिर दिया कि जिनके 2 लाख से ज्यादा है उनके समाधि करेंगे, उनके नाम भी साफ। लाखों नाम काट दिए गए, झुंझुना पकड़ा दिया, कर रहा माफ, कर रहा माफ, कर रहा माफ। कोई कितने का किया? 6,000 करोड़ का कमलनाथ लूट के ले गया, प्रमाण पत्र बंटवा दिए, पैसा दे दिए। बोलो ये धोखा है कि नहीं? कमलनाथ जवाब दो, दिग्विजय सिंह जवाब दो, क्यों ये धोखा देता है किसान? आदरणीय सिंधिया जी में कहते हैं कट्टा आज मेरे को 4 दिन नहीं, मैं उसको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ, जल्दी स्वस्थ होकर करुणा से हमारे बीच में आएंगे। मनोज पूरा क्या क्या मनोज इन्होंने मुझे हिंदुस्तान हार्ट बीट किया, परोठा बाकी का नाम रोशन किया, सिद्धार्थ सहित श्रीमान ज्योति जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे मित्र मेरे साथ युवा मोर्चे में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में काम किया, मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, पर भी महाराज तो कोई जी राव पवार साहब उनके चरणों में प्रणाम, और भारत माता के चरणों में अपने रंग की अंतिम बूंद समर्पित करने वाले अमर शहीद जागेश्वर भाकर जी के चरणों में भी मैं सुना। मैं आज आप सब उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मैंने तो सोचा था कि 5 साल के लिए भाजपा की सरकार गई, अपन तो झोला टांग के निकल पड़े, नगर वालों बाबा वाला लाइन लो, हमें थोड़ी पता था कि सभी साल की होते हैं। जितने बड़े बड़े वादे किए, वचन दिए, सब किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ,